आजादी के बाद गरीबी पर सबसे बड़ा वार, कांग्रेस की न्याय न्यूनतम आय योजना, भाजपा का विरोध शर्मनाक, कहा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई योजना लाई गई है जिससे एक ही झटके में गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। कांग्रेस की इस योजना में देश के 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यह योजना देश की गरीबी पर अंतिम प्रहार साबित होगी। कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर आरोप लगाया, वह नहीं चाहती गरीबी हटे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अमीरों के समर्थक हैं। इस बारे में हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान से बातचीत की। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा 25 तारीख को एक क्रांतिकारी घोषणा की गई, न्यूनतम रोजगार गारंटी। ये स्कीम समाज के वो 20% बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भारत के नागरिकों के लिए है जिससे 25 करोड़ लोग को फायदा होने जा रहा है। इस स्कीम से विचलित होकर भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी एनकेएन प्रकरण इसका विरोध कर रहे हैं। समाज के वो 25 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे जो 6,000 रुपए से भी कम की आय के अंदर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार देश के चुनिंदा 10-12 उद्योगपति का 25,000 करोड़ माफ करती है और कांग्रेस की भावी सरकार जो राहुल जी के नेतृत्व में बनने जा रही है वो देश के गरीब कुचले दबे लोगों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह 72,000 रुपये साल की गारंटी की घोषणा कर रही है।